चंद्रजान तीन को लेकिन सबुठ एक्साइटेड अच्छी जहाँ टाइमिंग फिक्स कराई संध्या छटे लैंड कर तेज एने अधिक आलोचना करवा तारामंडल प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंदा जी आम सहित अच्छा माम सर्वप्रथम चैनल को स्वागत करता हूँ। जैसे कि बात की जा रहे काफी एक्साइटेड है लोगों के अंदर भी आप भी सबके मन में खुश है इसको लेकर माम क्या बताएंगे क्या प्रोसेस रहेगा शाम 6 बजे। जी आज का दिन बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम साउथ पोल पर भारत जो है वो उतरकर एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है क्योंकि अभी तक कोई देश जो है वो साउथ पोल पे नहीं उतरे हैं। भारत इस रेस में आज प्रथम रहेगा। बहुत बड़ा दिन है सभी के लिए, साथ ही साथ प्लैनेटेरियम के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वेबकास्ट के लिंक जो इसरो ऑफिशियल्स ने हमें दिए हैं वो हम अपने 3 स्क्रीन्स पे लगाएंगे ताकि लोग यहाँ से इस नज़ारे को, ऐतिहासिक इस हिस्टोरिक डे को जो है वो देख सकें। आम भाषा में अगर आप बता सकेंगे तो जो विक्रम लैंडर से ग्रोवर जैसे अलग होगा क्या प्रोसेस रहेगा उसमें, जैसे कि 6 व्हील का आप डेमो भी दे रहे हैं यहाँ पे, कैसे मूव करेगा और कैसे कितना दिक्कत है वहाँ? जी बिल्कुल, अगर हम विक्रम की बात करें आज सॉफ्ट लैंडिंग हमारा क्राफ्ट जो है वो विक्रम लेगा, प्रज्ञान रोवर इसके अंदर ही रहेगा। बिकॉज विक्रम एक बार जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा उसके बाद कुछ समय बाद प्रज्ञान रोवर इसमें से बाहर आएगा। प्रज्ञान बेसिकली एक रोबोट है, एक बग्गी के फॉर्मेट में एक 6 व्हील वाला एक रोबोट है जो 14 डेज लूनर सर्फेस पे एक्सपेरिमेंट्स करेगा। उन वेरियस एक्सपेरिमेंट्स में वहाँ की सॉइल की कॉम्पोजिशन, किस तरीके का वाटर वहाँ पर अवेलेबल है, इज दैट वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, बिसाइड दैट मेनी काइंड ऑफ सेसमिक एक्टिविटीज दैट सर्फेस हैव लाइक क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, उन सबका क्या इम्पैक्ट रहता है अर्थ पे, एंड ऑल्सो वॉट इज द एटमोसफेयर देयर, और उस एटमोसफेयर की स्टडी जैसे एनालिसिस जो है वो प्रज्ञान रोवर करेगा। एंड देन 14 जो कमिंग 14 डेज हमारे अर्थ के जो 14 डेज हैं ये 14 डेज पे ये पूरा प्रोसेस का मेन डिसीजन विक्रम लैंडर ही लेगा मैम। जी बिल्कुल, अब आगे जो भी लैंडिंग के बाद का जो डिसीजन है दैट इज कम्प्लीटली ऑटो प्रोग्राम्ड होगा वो सारा का सारा और ऑटोमेटिक होगा। इसरो कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द लैंडिंग प्रोसीजर्स। सो विक्रम जो है वो अब ये सारा डिसीजन लेगा कि वो जगह जो डिसाइड की है उस पे कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, कोई लास्ट मिनट किसी तरीके के चैलेंजेस इफ दे फेसिंग तो वो जगह को भी चेंज करने का डिसीजन है, या आज लैंडिंग को टालना है, पोस्टपोन करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो विक्रम लेगा।